पकड़ी यार। मैंने तो 100 रुपये पेट्रोल डाला है और फिर डलवाया था मैंने इसके अंदर, ठीक है नहीं? आप 1 लीटर कुछ रुपए कुछ पैसे, 100 रुपये पेट्रोल है ये बताइए पहले आप मेरे को। नहीं 100 रुपये पेट्रोल है ये, नहीं मैं क्या बता रहा हूँ। अरे मीटर एक बार को कोई भी कस्टमर नहीं चेंज कर रहा, आप क्या क्या फर्क बनता है ये बताइए आप मेरे को। कहाँ है कुछ भी ना खाली। अरे 100 रुपये में भाई साहब कितनी पहुँचो को धक्का मार के थोड़ी लाएंगे भाई, 50 रुपये पेट्रोल उड़ते इसके अंदर, ये बताओ आप मुझे। पूरा करके तो दे दो, कम क्यों है ये? पूरा करके तो दे दो, पूरा करके क्या होगा? परेशान हो रहा हूँ। पूरा तो कर ही दोगे? नहीं रोजो में लेकर परेशान हुआ हूँ वाइफ को लेके अपनी, ये गाड़ी ये बता दो कितना तेल खाती होगी? 50 रुपये के तेल में मैं यहाँ तक गया था एक बार, मौला लाओ थोड़ा मार्केट जा रहा हूँ 100 रुपये का और पड़वा लो। तो भाई साहब 150 रुपये के तेल में गाड़ी बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगी ये बता दो तुम, पूरी ओके है गाड़ी? क्या बात, जाएगी नहीं जाएगी? तमाशा करने से क्या फायदा यार? अरे तमाशे की क्या बात है सर, ये बताओ तमाशा दिख रहा है? तमाशा दिखाई दे रही है, ये 150 रुपये पेट्रोल है ये बता दो, तमाशा दिख रहा है? इसमें तेल तो डाल ही दोगे, तेल को डाल दो, 50 रुपये बता रहा हूं, ये 100 रुपये का पेट्रोल है सर ये बताओ। अरे तमाशा कर रहा है ये, क्या बात लेके आओ तमाशा? अब सुनो अगला इंसान परेशान हो गया, तमाशा। मुरादाबाद के पेट्रोल पंप कर रहे हैं उपभोक्ताओं का शोषण। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना कटगढ़ क्षेत्र अंतर्गत करोला पर स्थित MH पेट्रोल पंप की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती दिख रही है, जिस वायरल वीडियो में उपभोक्ता द्वारा कम पेट्रोल देने का आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से एक उपभोक्ता पेट्रोल कम देने पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से बहस कर रहा है, जिस वायरल वीडियो में पंप कर्मचारी पेट्रोल पूरा करने की भी बात कर रहा है। मुरादाबाद जिला पूर्ति अधिकारी के सख्त आदेशों के बाद भी पंप स्वामी गरीब जनता का शोषण कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मुरादाबाद जिला पूर्ति अधिकारी इस वायरल वीडियो पर किस प्रकार की कार्यवाही करता है, या यूं ही गरीब जनता की जेबों पर डाका डलवाते रहेंगे। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुरादाबाद SSP प्रभाकर चौधरी के सख्त आदेश के बाद भी MH पेट्रोल पंप के कर्मचारी SSP के आदेश की साफ तौर पर धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कर्मचारी पेट्रोल बोतल में दे रहे हैं। पेट्रोल पंप के कर्मचारी कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ा रहे हैं धज्जियां। बिना मास्क के आने वाले लोगों को भी दिया जा रहा है पेट्रोल। अब देखने वाली बात होगी कि मुरादाबाद प्रशासन इस पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है। मामला सर ये है कि हम हमारे पंप पे कल तेल लेने आए 3:30 बजे के टाइम, इन 99 रुपये का तेल लिया उन्होंने। इनकी गाड़ी जैसे पंप पे एंटर हुई तेल ख़त्म हो गया था गाड़ी में, हमने 99 रुपये का तेल डाला, ये बोले तेल चेक करा दो। हमने तेल चेक कराया तो उसमें तेल 0.5 लीटर के आसपास निकला, सारा तेल गाड़ी में से नहीं निकल पाता। जब तेल एयर लेती है गाड़ी तो कार्बोरेटर में और उसमें पाइपलाइन में फट जाता है तेल। वो कस्टमर को भी बता दिया है, वो भी सेटिस्फाई हो गए हैं। जिस तरीके से वीडियो देखा जा रहा है तो वीडियो में कहा जा रहा है कि पंप पर जो कर्मचारी मौजूद हैं उन्होंने कहा कि दोबारा तेल डलवा लीजिए, तो ऐसा क्यों हुआ? वो तो क्या मैं जब वो निकल नहीं पाया, क्या मैं हवा ले गई थी गाड़ी इनकी, तो हमने बाद में डलवा दिया। 1 लीटर तेल थोड़ी लगी हवा में, 0.5 लीटर निकला ना, 0.5 लीटर निकला उसके अंदर, 0.5 लीटर तेल निकला। वो कह रहा 50 रुपये मेरा पहले का पड़ा था उसके अंदर, 1/2 लीटर। नहीं नहीं वो तो पहले का तो अब उसको हम मान नहीं सकते कि पहले था नहीं था। जो वीडियो उन्होंने वायरल कराया आपने देखा होगा उस वीडियो में, आप ही के कर्मचारी कह रहे हैं कि दोबारा डलवा लीजिए, और इससे पहले भी कई यहाँ पे वीडियो वायरल हुआ, तो इसमें क्या वायरल हुआ? हमारा तो कस्टमर से ये कहना है शुरू में आओ पहले जीरो चेक करो, वो अपनी बाद में पर्ची लेके जाओ। अच्छा, ये ऑटोमेशन का रिपोर्ट मैंने कल निकाला है उस टाइम का, 99 रुपये का उनका तेल रिपोर्ट में है, ऑटोमेशन के रिपोर्ट में किसी को बुला के चेक करा सकते हो, डाटा सब है हमारे पास। तो जिस तरीके से हमने देखा बिना मास्क के लोगों को भी तेल दिया जा रहा है, इसमें क्या बात है? मास्क को तो कह रखा है नहीं, और SSP साहब तो यह बोतल में तेल नहीं दे सकते, अभी बोतल में तेल दिया गया है, उसका भी वीडियो हमारे पास है, लड़की बराबर तेल दे रही है, इसी चक्कर में पीली गाड़ी का पेट्रोल पम्प भी बंद हुआ है, पता है आपको नॉलेज में? जी सर नॉलेज, पेट्रोल पम्प भी तो नहीं पता, SSP नहीं बंद कर रहा है अभी। तो आपको ना लगता है इस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए? वो हम आगे से बरत लेंगे, सावधानी बरत देंगे, सबसे मना कर देंगे, किसी को भी सब मना कर देंगे, आगे से कोई ऐसा कुछ नहीं मिलेगा।